हेलो बिरोन, आपका स्वागत है जामिया वर्ल्ड पर। जामिया वर्ल्ड इस वक्त मौजूद है खासतौर पर हाजनी के पास। यहाँ स्टूडेंट जो कि जामिया स्टूडेंट हैं, वो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो क्लाइमेट जो जिस तरह से परेशान कर रहा है ह्यूमन बीइंग लाइफ को, इस वक्त हाजनी के ठीक पास यहाँ जमीन पर लेट कर क्लाइमेट के लेकर प्रति एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं इनसे बात करना चाहूँगा, मैं तो इनसे बात करते हैं। क्या सबसे पहले तो आप बताएँ, आप इस तरह से क्यों करना चाह रहे हैं, स्पेशली ये अलग अनोखा तरीका जो जमीन पर लेट कर आप पर्यावरण के प्रति एक लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं? बोलिए। बेसिकली मैं धरती हूँ, जिसे आप भूल गए हैं। अब ये समय आ गया है कि मुझको खुद यहाँ आके आना पड़ रहा है, अपने आप को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपकी कमिंग जनरेशन को बचाने के लिए, जिससे कि आप और मैं भी इस वर्ल्ड में सस्टेन कर सकूँ। गॉड, अल्लाह, ईश्वर, भगवान ने मुझको बनाया कि जिससे मैं आपको, आपके जीवन को, आपके लाइफ को बहुत सुंदर बना सकूं। और मुझे पूरा यकीन है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसको इस वर्ल्ड पे इसलिए उतारा गया क्योंकि वो मुझको और अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाए, अमेजिंग बनाए। सही बात कह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपना तारुफ करें कि आपका किस डाइंग इन, वी आर डाइंग Because we do not want to see that everyone dying tomorrow. तो जैसे because कि, of climate change, as you know that in India, one person is dying out of eight because of air pollution. Okay, तो सबसे पहले आप बताएं कि आपकी तारुफ means कि आप किस department से है और आपको ये idea किस तरह से आया कि especially जो जमीन पर लेट कर और overall period आप जो कर रहे हैं, किस तरह से कोई मतलब कि administration की तरफ से कोई परेशानी वगैरह कुछ ऐसा या support? I'm really sorry, I am Dharti Ma, but I am a student of Jamia. In the behalf of a student of BA Honours History, first semester. Administration से कोई problem नहीं है, administration मेरा साथ दे रहा है क्योंकि वो भी, मुझे पूरा यकीन है कि administration भी और सभी लोग sustain करने के लिए oxygen ही लेते होंगे। जो मैंने इस दुनिया में पेड़ बनाए, ईश्वर ने बनाए, भगवान ने बनाए, अल्लाह ने बनाए, मेरे द्वारा कि मुझको यहाँ भेजा, तो उन्हीं से लेते होंगे। बट एडमिनिस्ट्रेशन से जैसे कहीं कहीं कुछ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, जैसे हम कल यही चीज़ हमने ओल्ड लाइब्रेरी के सामने करी थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन के जो कुछ गार्ड्स थे वो बोल रहे थे कि बहुत देर हो गई, अब यहाँ आप यहाँ से चले जाइए। ओके, ये बताएं आप, जैसे कि आप ओवरऑल ये जो जिस तरह से अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, आप कितने दिनों से ये सब चीज़ें कर रहे हैं, कि आगे क्या प्लान है? बेसिकली मैं पिछले 1.5 साल से ये कर रही हूँ कि अपने आप को बचाऊं और आपके लाइफ, जो मैंने पहले भी बोला, सबको बचाऊं, क्योंकि मैंने देखा यहाँ करने के लिए ह्यूमन बीइंग की तरह पढ़ना भी पड़ेगा और बहुत अच्छे तरीके से जो करंट इश्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो डिप्लीशंस है ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, आगे क्या करना चाहेंगे, आगे आउट ऑफ यूनिवर्सिटीज से भी करना चाहेंगे, सिर्फ आप यूनिवर्सिटी जामिया में ही? हम बेसिकली पूरे वर्ल्ड में मैं काम कर रही हूँ क्योंकि इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। और इंडिया में मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है गजरौला में, जो एक डिस्ट्रिक्ट अमरोहा का सिटी है, उत्तर प्रदेश में आता है इंडिया में। वहाँ मैंने इंडिया का फर्स्ट नॉन गवर्नमेंट इंडेंजर स्पीशीज ऑफ प्लांट बोटैनिकल गार्डन सेटअप करा है, जिससे कि मैं आपके लिए और अपनी सुंदरता को बचाने के लिए और आपकी अपनी कमिंग जनरेशन को देने के लिए इंडेंजर स्पीशीज, जो हमारी प्लांट हैं, जो हब्स हैं, जो इंडेंजर हो रहे हैं और जो कुछ एक्सटिंक्ट जो हो गए हैं, उनको पूरी कोशिश करा जाएगा कि विद हेल्प ऑफ आपके ही साइंटिस्ट और साइंटिस्ट की हेल्प से उनको रिकवर करा जाए। जैसे सही बात कह रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से आप यहाँ जमीन पर लेटे हैं और किस तरह से लोगों का मतलब रिएक्शन होता है, बहुत लोग तो सपोर्टिव होते हैं, बहुत लोग कहते होंगे कि ये क्या जमीन पर लेट गया, क्या मतलब कि कुछ इस पर ओवरऑल एक्सपीरियंस आप बताएं। एज यू नो दैट जो लाइफ है वो होप पे टिकी है, तो हमारा ये मैसेज है, अगर एक बंदा भी या एक स्टूडेंट को भी उसका देख रहा है तो मेरा ये मिशन सक्सेस हो रहा है। मेन चीज़ क्या है कि हमारे जो जनरेशन है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि वो ध्यान नहीं दे रहा। उसको पता है, जैसे कल मुझे कोई कमेंट मिला, बोले भाई इसको लेटर नहीं दिए, इसके एग्ज़ाम नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अब वो एग्ज़ाम जब ही लिख पाएंगे जब वो ऑक्सीजन लें। अगर वो बंदा ये, अगर मैं उससे चैलेंज ये करूँ
कि आप ऐसा करिए 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आप ऑक्सीजन लेना बंद कर दीजिए और आप अपना मैथ का कोई भी क्वेश्चन करिए या फिर हिस्ट्री पे या किसी भी पॉलिटिकल पे मुझको जो है 5 मिनट की स्पीच सुनाइए, तो कर पाएगा वो? तो देखिए लाइफ में सारी चीज़ ज़रूरी है, मैं समझ सकता हूँ कि पढ़ना सबसे ज़रूरी है वर्ल्ड में सस्टेन करने के लिए, क्योंकि खाना भी है पीना भी है। ये सही आप कह रहे हैं, पढ़ने से पहले जीना भी जरूरी है। बट मेन थिंग लाइफ में 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, जैसे पहला हेल्थ है। अगर हेल्थ नहीं होगा तो आप एजुकेशन का क्या फ़ायदा? आप 3 दिन बुखार आ जाए या जुकाम हो जाए तो पढ़ाई नहीं हो पाती। उस बंदे से पूछिए जाके जिसको कोई किसी डिसीज़ से सफ़र कर रहा हो और उसके एग्ज़ाम आ रहे हों, तो वो और अच्छा पता पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपको बताना चाहिए थी कि हाइजेनिक पर बैठ नीचे या जमीन पर लेट कर ये लगातार ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड में जो क्लाइमेट जो पूरी तरह से इस वक्त बिखराव पर पड़ा है, कहीं ज़्यादा बारिश हो जा रही है, कहीं ज़्यादा गर्मी हो जा रही है। अभी लेटेस्ट में जो बिहार में हुआ, अभी लेटेस्ट में जो जापान में हुआ, अमेरिका में हुआ, ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसा जो एक तबाही का आलम बना हुआ है लेकर क्लाइमेट के लेकर, और ख़ास तौर पर ये जो जामिया स्टूडेंट हैं लगातार 1.5 सालों से इस तरह का अवेयरनेस क्रिएट करा रहे हैं अपने एक कोशिश के द्वारा। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में। मोहम्मद तस्लीम।